एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। इट डजंट मैटर कि आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। इसमें साथ में मैं ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करूंगी जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। उसके अलावा मैसेजेस भी ऐड करेंगे। अगर आप एक्स के साथ डील कर रहे हो उस तरह से भी मैसेजेस ऐड करेंगे, और साथ में अगर आप करंट पर्सन से या ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ राइट नाउ आप सिचुएशनशिप में हो, उस तरह से भी हम मैसेजेस चेक करेंगे कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। लेट्स फाइंड आउट। Death, Queen of Pentacles, Two of Cups, King of Swords. मुझे लगता है कि जैसे आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ स्टार्ट हुआ था और जिस तरह से अभी चल रहा है, आप दोनों की एनर्जीज, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों का एक दूसरे को लेकर सोचना काफ़ी कुछ बदल चुका है इस कनेक्शन में। द वे यू स्टार्टेड विद दिस पर्सन और द वे दे स्टार्टेड विद यू, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर किए हो, ग्रो किए हो ऑन इंडिविजुअल लेवल, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन के ऊपर भी काफ़ी असर आया है। अगर हम बात करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, मुझे लगता है कि उनका नज़रिया आपको देखने का, जस्ट द वे दे लुक एट यू, वो काफ़ी बदला है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। शायद पहले उन्होंने आपको लेकर कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। आपके अंदर उनको एक स्टेबिलिटी दिख रही है, आपके अंदर उनको एक मैच्योरिटी दिख रही है, आपके अंदर उनको एक वो पर्सन दिख रहा है जो कि शायद उनको पहले कभी नहीं देखा। समबडी हु कैन बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल, जहाँ पर वो शायद परसू करना चाहें आपको एज देयर फ्यूचर पार्ट फ्यूचर पर्सन या एज वेल। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच काफ़ी बदल रही है आपको लेकर, आपको जिस तरह से वो देखते हैं अब, उसमें उनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है, पर्सपेक्टिव काफ़ी बदला है। लेट्स सी मोकास हियर, चेंज अगेन द वर्ल्ड। उसके अलावा हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है कि चीज़ें और कनेक्शन आपके फेवर में जा रहा है, जैसा आप चाहते हो राइट नाउ कि वो पर्सन आपके बारे में सोचे, फील करे, एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। चाहे आपको अभी दिख रहा है या नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक इसको एक इंट्यूटिव एक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, जो कि शायद इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो टू एक्सेप्ट एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इसको लगेगा कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों वो आपकी तरफ एक पुल फील कर रहा है, क्यों वो आपकी तरफ खिंच रहा है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन परेशान होगा कि सडनली क्यों मैं इस इंसान को लेकर ऐसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। सो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी। लेकिन दूसरा, मुझे लगता है इंट्यूटिवली या विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टू, वो आपके बारे में ज़्यादा फील कर पा रहे हैं राइट नाउ, और शायद अगर चीज़ें आप दोनों के दरमियान में सही वर्कआउट नहीं कर रही, तो उसकी वजह से उनके दिल में एक वो नोइंगनेस जो है कनेक्शन को, वो काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे आपको लेकर, कि जहाँ इनको फील हो रहा है कि क्या ये प्यार है जो मेरा इस इंसान के साथ कनेक्शन है, इज़ इट लव, तो वो चीज़ भी शायद वो फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्स। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं काफ़ी हद तक वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपकी तरफ। नो डाउट उनको एक पुल फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अगर चाहते हो कि कनेक्शन आगे स्टेबल रहे और पॉजिटिव होता चला जाए, चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच, कोशिश करो कि आप अपने आप को स्टेबल ज़रूर रखो फ्रॉम विद इन। इट डजेंट मैटर कि कनेक्शन में क्या हो रहा है, करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लेकिन आपका फेथ
आपका डेडिकेशन, आपका एक बिलीव जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको वो डोलना नहीं चाहिए, यू नो, एक अनसर्टेनिटी जो है वो इस सिचुएशन को लेकर नहीं आनी चाहिए कि क्या ये होगा या नहीं होगा, वो चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो यू नो एक स्टेबिलिटी है कनेक्शन के अंदर वो यू नो कंटिन्यू रहे। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन सूनर और लेटर इस कनेक्शन को यू नो एम्ब्रेस करेगा और कनेक्शन को आगे ले जाने के बारे में ज़रूर सोचेगा। शायद ये बहुत करीब है टाइम जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को जो होल्ड बैक कर रहा है कनेक्शन से गिव इन करने के लिए वो ख़त्म कर देगा और कनेक्शन में गिव इन करेगा, वर्क करेगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स हैपन इन दिस कनेक्शन। तो वो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ कि आपका पर्सन प्रिपेयर हो रहा है कनेक्शन में गिव इन करने के लिए, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए एज वेल। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्लो प्रोसेस है, तो ट्राई टू बी पेशेंट विद इट। और अगेन, अपना इनर पीस बरकरार रखना या मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम टैरो फर्स्ट, उसके बाद हम मैसेजेस इंक्लूड करेंगे। आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है? टू कार्ड्स प्लीज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। एक और ले लेते हैं, फोर ऑफ कप्स, और इधर एक वी डू हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन समहाउ यू नो एक ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जहाँ पर एक इनडिसाइसिवनेस उसके अंदर भी है आपको लेकर। वो आपसे कहना चाहता है कि उसका यू नो एक उसका दिल करता है कि वो कनेक्शन में गिव इन करे, लेकिन एट टाइम्स उसको लगता है कि मे बी राइट नाउ होल्ड बैक करना सही है। क्यों है? क्योंकि उसको शायद अपने ऊपर काम करना है, अपने कैरियर गोल्स के ऊपर, अपने वर्क गोल्स के ऊपर, अपने फैमिली गोल्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको आपसे यू नो दूर होने पर मजबूर करती है। नॉट दैट कि वो चीज़ एज इन के आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस अराउंडेड जो है वो उसको रोक जाता है और कहीं ना कहीं वो सोचने लग जाता है, ओवर थिंक करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आपको फील होगा कि ऑन एंड ऑफ हो रहा है आपके साथ। कभी कभी उसका दिल करेगा कि आपको गिव इन करे, कभी कभी वो आपका उसका दिल करता है कि आपसे पुल अवे कर जाए, लेकिन इट्स नेवर द केस कि वो आपसे पुल अवे करके किसी और में इन्वेस्ट होना चाहता है या फिर किसी और में इंटरेस्टेड हो, यू नो इंटरेस्टेड होना चाहता है। इट्स मोर लाइक कि वो अपने लिए टाइम जो है वो पुल अवे करना चाहता है क्योंकि उसके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन फिर उसको रियलाइजेशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली होती है कि यू नो उसको आप चाहिए हो और आपके साथ जो खुशी उसको मिलती है उसको वो चाहिए। सो कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ एनर्जी है आपके एंड से भी और आपके पर्सन के एंड से भी। आपके पर्सन के एंड से रीजंस जो है वो डिफरेंट है, आपके एंड से रीजंस जो है वो डिफरेंट है। व्हेन इट कम्स टू यू, इट सीम्स लाइक कि आपकी एनर्जी इसलिए यू नो ऑन एंड ऑफ रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी इनर स्टेबिलिटी खो देते हो, आप ऑब्सेस करने लग जाते हो और चंद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, तो उसके फियर जो है वो उसके रास्ते में ब्लॉक बन जाते हैं। सो इसके लिए आप एफर्मेशंस वगैरह या इस तरह की यू नो चीज़ें, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स, चाहे वो आपके हैं या फिर आपके पर्सन के हैं। अगर पर्सन के हैं तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है और मेडिटेशंस। बट येस, लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, चाहे एक्स है या करंट पर्सन। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स टेक टू कार्ड्स इस वाले डेक से एंड देन टू कार्ड्स इस वाले डेक से। सो बेसिकली हम चार मैसेजेस इंक्लूड करेंगे, साथ में फिर ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप एक्स के लिए चेक कर रहे हो रीडिंग, तो मुझे लगता है कि शायद आपके एक्स ने यू नो कुछ ऐसा आपको कहा हो, बोला हो, जो कि रिग्रेट कर रहा है वो आपसे कहना। बट यू एंड आई वर टू यंग, और कहीं ना कहीं वो ब्लेम कर रहा है कि आप दोनों उस टाइम पे बहुत यंग थे टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बेटर, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल था वो शायद इतना नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ना ही इस सिचुएशन को डील करने का तरीका आपको सही से पता था। तो कहीं ना कहीं वो विश कर रहे हैं कि चीज़ें हमने काश अच्छे तरीके से डील की होती ताकि सिचुएशन आज बेटर होती आप दोनों के दरमियान में। तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट का एलिमेंट है, दूसरा यू नो एक विशफुल थॉट है अराउंड दिस कनेक्शन कि शायद यू नो वो डिज़ायर कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकें आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि वो विश करते हैं कि दे हैड नॉट डन समथिंग जो उन्होंने किया। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स, ऑल द साइंस आई एम रिसीविंग गाइड्स मी टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा साइंस और मैसेजेस या अलाइनमेंट जो है वो आपकी तरफ वो फील कर पा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी इट्स मेंट टू हैपन।
और कार्ड देखते हैं, आई नो लॉन्गर लेट पीपल इन्फ्लुएंस माई लाइफ, आई हैव चेंज. कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन काफ़ी हद तक अंडर इन्फ्लुएंस रहता होगा अपने पेरेंट्स के, फैमिली के, सिचुएशंस के, पीपल के, फ्रेंड्स के, यू नो अक्सर होता है कि आप पीयर यू नो फैक्टर जो है वो आपको काफ़ी लेट डूबता है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको आपकी जैसा है एंड यू वॉन्ट दैट पर्सन, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको कहेंगे नहीं दैट्स नॉट योर टाइप. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता हो, जिसकी वजह से उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो कनेक्शन को लेकर. तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन भी वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब वो चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं और अब वो शायद लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते और वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए अराउंड दिस कनेक्शन जो आपका आपके पर्सन के साथ है. व्हाट इज द ओरेकल गाइडेंस अराउंड दैट? दो कार्ड्स लेते हैं. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की. ऑनेस्टली आप अपने आप का, अपने दिल का हाल एक दूसरे से शेयर करो, कोशिश करो कि एक बॉन्ड जो है वो बिल्ड हो विद ओपन कम्युनिकेशन. जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन थी उस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, ताकि आप ऑनेस्टली एक दूसरे से अपना फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो शेयर कर सको. उसके अलावा है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. आप दोनों की फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए दैट इज़ रियल, और काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका कनेक्शन सेक्सुअल भी रहा हो और आप दोनों की फीलिंग्स जो एक दूसरे को लेकर हैं दे आर वेरी रोमांटिक एज वेल. सो मे बी यू नीड टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ द कनेक्शन एज वेल. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय.